जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। यहां द्राब गांव में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर समीर टाइगर को घेर लिया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खुफिया सूचना मिलने के बाद सेना, एसओजी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ताजा जानकारी मिलने तक एनकाउंटर में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, जबकि एक नागरिक के भी घायल होने की खबर है। एनकाउंटर के दौरान पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने कहा है कि अब तक समीर टाइगर के छिपे होने की पुख्ता जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये एनकाउंटर साइट पर भीड़ जुटाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई है। कश्मीर से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।